है, उस जजमेंट को डिफेंड कर रहा था वफाकी हुकूमत के बिहाफ से, वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा एडिशनल अटॉर्नी जनरल जिसकी हाजिरी लगी है। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने उस आर्डर को कभी इंप्लीमेंट नहीं किया था। यह पहली मरतबा मैंने देखा है कि एक आईनी इदारा हाईकोर्ट जाता है और कहता है कि स्टे वेकेट करो, उससे कबल कि उस आईनी इदारे ने उस स्टे को इंप्लीमेंट किया हो। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने एक नया शेड्यूल इशू किया था कि आपकी जो रिजर्व सीट्स की स्क्रूटनी है, हम इसको 13 तारीख तक लेके जाएंगे। मैं समझता हूं कि पीटीआई से बल्ला लेना इस लेजिटिमेसी का बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा आपके इलेक्शन का। 227 रिजर्व सीट आप हमसे नहीं ले सकते, आप बल्ला लेंगे तो आपके इलेक्शन को दुनिया कभी रिकॉग्नाइज नहीं करेगी। आप इस मुल्क के 859 सीट्स पे अगर आप इलेक्शन करवाएंगे इंडिपेंडेंट, तो आपने बुनियाद रखी है और आप बुनियाद रखेंगे करप्शन की, हॉर्स ट्रेडिंग की, जिसके बारहा मुजम्मत की गई है, जिसकी सबकी सुप्रीम कोर्ट बारहा कह चुकी है कि एक स्टेबल हुकूमत के लिए इस नासूर को आपको खत्म करना होगा। मैं समझता हूं कि ये डिसीजन उजलत में दी गई है, लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला इसके खिलाफ आज ही फैसला करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी ताकि स्टेबिलिटी भी आ जाए और ये वाजे हो जाए कि कौन सी पार्टीज इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है कि एक पोलिटिकल पार्टी से उसका निशान लेना उस पोलिटिकल पार्टी के डिजोल्यूशन के मुतरादिफ है। तो सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त है, इंशाअल्लाह कल ही हम आपके अदालत आएंगे, मेहरबानी फरमा ले और जल्दी से हमें भी सुन ले। साहब ये बताइएगा कि अब तो बला फिर वापस हो गया, जो आपके उम्मीदवार हैं, जाहिर है आपने कल कहा कि हम आम दिसंबर को भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन एक ओपिनियन ये आ रही है कि जो आपके उम्मीदवार अब इलेक्शन लड़ेंगे वो अलहदा इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे, तो इस बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट? देखिए, सुप्रीम कोर्ट अगर हमारा बल्ला बहाल नहीं करती और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो ऑब्वियसली पेन इंडिपेंडेंट की हैसियत यही है कि हर उम्मीदवार को एक अलग से निशान मिलता है। देखो, इससे वोटर भी कंफ्यूज होंगे, डिसएनफ्रेंचाइज भी होंगे, सिस्टम जो भी जीतेगा उसमें डेमोक्रेसी की हार होगी, उसमें सिस्टम का हार होगा, उसमें जमहूरियत की हार होगी, उसमें एक स्ट्रांग पार्लियामेंट की हार होगी। ऐसा ना कीजिएगा। सर ये बताइएगा, खास तौर पे आपका बयान जो आज बहुत डिस्कस हो रहा है, आईएमएफ के साथ आपकी मुलाकात होती है, और क्या आप लोगों ने एक कंडीशन सेट कर ली है कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो पीटीआई की जो सपोर्ट आईएमएफ वायदे के साथ है वो विड्रॉ कर लीजिए? देखिए, मैं आपको एक मिनट में आपको एक बताता हूँ। मैंने इस पर स्टेटमेंट हमने दिए और बारहा मरतबा दिए, और हम हर मरतबा ये कहते हैं कि इकानमी आपकी खराब हो जाएगी अगर आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराएंगे, और आपकी लेजिटिमेसी का भी क्वेश्चंस होगा, जो भी गवर्नमेंट आएगी ऐसी इलेक्शन के नज़र में उनकी लेजिटिमेसी का भी बहुत बड़ा क्वेश्चंस होगा। कल की स्टेटमेंट जो नुसरत जावेद साहब से मंसूब है, नहीं, कल मेरी मीटिंग हुई है आईएमएफ से, उससे पहले मेरी ज़रूर मीटिंग हुई थी, कल जो मीटिंग ये कह रहे हैं, मेरी कोई मीटिंग नहीं हुई है आईएमएफ से। कल मेरा इंटरेक्शन इंटरनेशनल मीडिया के साथ था, न हमने आईएमएफ को कल डिस्कस किया है, न उसके स्टेटमेंट के से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट दी है। तो ये स्टेटमेंट है, जो स्टेटमेंट है ये नुसरत जावेद साहब की, ये मैं समझता हूँ गलत है, सही नहीं है, क्योंकि कल ना मेरी मुलाकात हुई है, ना हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट दी है, ना हमने ये कहा है कि हम अपना जो सपोर्ट है वो वापस लेंगे, हमने ये नहीं कहा। हम कहते हैं इकानमी को बेशमूल आईएमएफ के प्रोग्राम को नुकसान पहुँचेगा, जब मुल्क में जमहूरियत नहीं होगी, जब आप खरीद व फरोख्त खुद पार्लियामेंट के अंदर करोगे तो आप इकानमी को कैसे स्टेबल करोगे? 80% सपोर्ट वाली पार्टी बाहर होगी, 20% सपोर्ट वाली पार्टीज और उनकी जीरो क्रेडिबिलिटी के साथ जब पार्लियामेंट में होगी तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा, ऐसे जमहूरियत नहीं सुन सकता। ये हमारी पॉलिसी स्टेटमेंट है। नुसरत जावेद की स्टेटमेंट आज समझता हूँ कि वो एक सीजन जर्नलिस्ट है, उसको चाहिए था स्टेटमेंट करने से पहले उसकी वो तस्दीक करते या एटलीस्ट हमें कॉल कर देते, तो हम भी उनको कहते कि हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। सर, खान साहब पे आज एक और चार्ज फ्रेम हो गया, किस तरह से आप सारी चीज़ें? देखिए, ये सारे पोलिटिकल विक्टमाइजेशन है। मैंने हिस्ट्री में पहली मरतबा देखा कि इलेक्शन कमीशन वहाँ से चल करके इतने हार्ड टाइम में आकर के सिर्फ आप इंडाइट करा रहे, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। दुनिया को दिखाना है मैंने इंडाइट कर लिया, लेकिन याद रखना आप खान साहब पे और कितनी इंडाइट लगाएंगे, आप पे आवाम इंडाइट कर चुकी है चोरी का, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप सजावार होंगे इंशाल्लाह।
सुप्रीम कोर्ट भी अगर बल्ले को रिस्टोर नहीं करती उसके बाद जाहिर आजाद ही लड़ेंगे आपके उम्मीदवार जो हैं, तो देखिए क्या कंसिडर करेंगे आप आजाद उम्मीदवार आपके जो हैं? देखिए हम बॉयकॉट की तरफ हम किसी सूरत नहीं जाएंगे। हम सुप्रीम कोर्ट से भी इस्तेदा करेंगे कि जरूरी नहीं है अगर आप खामखा इस बल्ले में कोई खास बात है आप हमें कोई और निशान देते हैं। कानून यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक कॉमन सिंबल होना चाहिए, एक ही सिंबल होना चाहिए, चाहे वो हमारा जो भी है वो सिंबल होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और आप अगर रिकॉल करना चाहते हैं ये रिकॉल नहीं कर सकते। मुझे कभी यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट इसको, वैसे भी ये मैटर रिजॉल्व होना ही था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को ऐसे जाने नहीं देगी। ये जमहूरियत के आने वाले, मैं समझता हूँ कि ऑन बिहाफ ऑफ और फ्यूचर चिल्ड्रंस फ्यूचर, ये हमारी एक ऑब्लिगेशन है जमहूरियत को इस्तेकाम देने के लिए। मैं नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट कभी भी इस बात को कंसिडर करेगी कि इलेक्शन से, हमसे जो इलेक्शन का सिंबल है वो वापस लिया जाए। मैं इतना कभी आपको कह सकता हूँ कि मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 90% यकीन है सुप्रीम कोर्ट हमारा बल्ला रिस्टोर करवाएगी। अगर वट एवर रीजन नहीं भी करती फिर भी हम इलेक्शन में तो जाएंगे, लेकिन ये जमहूरियत का नुकसान होगा, ये देखो हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद होगी, ये मैं समझता हूँ जितना नुकसान आप करें इकानमी का उसका होगा। अगर आप लाहौर की मिसाल ले लें, वहाँ आपकी कितने सीटें हैं? 14 आपकी नेशनल असम्बली की सीट से, वहाँ ऑलमोस्ट 28 आपके पास जो सीट से वो प्रोविंशियल असम्बली के हैं। एक एक सीट पे आपके जो 5-5, 6-6 कैंडिडेट लड़ रहे होंगे, तो 100 निशानात पे आप इलेक्शन लड़ रहे होंगे, तो लोग भी कन्फ्यूज़ होंगे, पार्टियाँ भी कन्फ्यूज़ होगी, हमारा वोटर सपोर्टर कन्फ्यूज़ होगा। तो आपने एक पोलिटिकल प्रोसेस से एक पोलिटिकल पार्टी को इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट निकाल दिया, जो कि इलीगल है मैं समझता हूँ। देखो दूसरे निशान पे तो देखेंगे, लेकिन क्या अगर हमसे निशान लिया जाता है वो प्लान बी तो जरूर होगा, हम कंसिडर करेंगे, लेकिन आगे क्या होता है। सबसे पहले वैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि वो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो भी हम करेंगे तो एक्शन कर ले। देखिए अदलिया में जल्दी होना चाहिए था। एक बात ये बताऊँ आपको, जब लास्ट टाइम पेशावर हाईकोर्ट में भी हेयरिंग हुई थी, पेशावर हाईकोर्ट ने भी ये कहा था कि ये DB सुन सकती है, सिंगल जज नहीं सुन सकता, सिंगल जज आपको सिर्फ स्टे दे सकता है। और ये पूछा गया था कि फर्स्ट अवेलेबल DB में ये केस रखे ताकि फैसला हो। उस वक्त भी हम चाह रहे थे कि 1-2 को उस दिन फैसला हो जाते, क्या कि जो भी है एक तरफ हो जाए ये मसला एंड वी प्रोसीड फर्दर। उस वक्त भी ये रखा था, भाई ये एक्सट्रीम बायस ऑफ द इलेक्शन कमीशन शो कर रहा है इलेक्शन कमीशन के इंप्लीमेंट किए बगैर आप जाते हैं कोर्ट में और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ आप जाते हैं, बाकी पार्टियों के खिलाफ नहीं जाते। PMLN ने आपसे रिकॉर्ड पे 21 दिन का टाइम मांगा, आपने 60 दिन टाइम दिए थे इलेक्शन करने के लिए, आपने 7 महीने हमारे ऑर्डर को रोके रखा था। ये भी अवाम की अदालत में आपको जवाब देना होगा। बरिस्टर साहब बकौल आपके एक सिंगल पार्टी को बिल्कुल अलहदा किया जा रहा है, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपके इतिहादी किधर के? इस मुल्क में बहुत सारी सियासी जमातें हैं, उनके साथ डायलॉग कोई ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि आप भी इस सिस्टम में दाखिल हो? और देखिए डायलॉग हर वक्त होना चाहिए, डायलॉग पॉलिटिकल पार्टीज करती रहती हैं, अगर डायलॉग की तरफ जाता है जरूर होने चाहिए। हमने तो कभी नहीं कहा कि हम डायलॉग नहीं चाहते, लेकिन किस ग्राउंड पे हमने डायलॉग करना है? इलेक्शन के लिए, इलेक्शन की फ्रीडम के लिए, इलेक्शन के एक दिन पे होने के लिए, इलेक्शन सबके पार्टिसिपेशन के लिए, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए। हम तो अनकंटेस्ट इलेक्शन करना नहीं चाहते, हम तो कह रहे हमारे कैंडिडेट होंगे, अगर नहीं भी तो अंडर 19 लड़ाएंगे, बराबर से लड़ाएंगे, जगह आपको खाली नहीं छोड़ेंगे। ये वो अंडर 19 से भी घबराए हुए हैं और इंशाल्लाह इनकी शिकस्त होगी 8 तारीख को, देखते जाइएगा। सर मेरी किसी के साथ मुलाकात नहीं हुई, मैं आपको अपने जाती अगर बताओ तो न मुझे कोई फोन आया, न कोई थ्रेट आया, न कोई धमकी आई है, न मेरे कोई किसी को फोन किया, न मेरे के साथ किसी मुलाकात हुई है। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीडिंग इन डेमोक्रेसी लाइक द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। शुक्रिया।